नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंगल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं कि गाइज आपने मोबाइल में डिलीट हुई कॉल रिकॉर्डिंग को वापस कैसे ला सकते हैं। जी हां गाइज, यदि आपके भी मोबाइल में यदि आपने कोई कॉल रिकॉर्ड की थी और गाइज वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है गलती से डिलीट हो गई है और गाइज आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को वापस लाना चाहते हो, वापस कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए गाइज आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइज नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है रिकॉर्डर का, तो यहाँ पर गाइस ये एप्लीकेशन सभी मोबाइल में अवेलेबल ही रहता है। तो गाइस मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर गाइस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसे यहाँ पर डिलीट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको यहाँ पर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कॉल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने हमारी कॉल रिकॉर्डिंग जो है सभी तरह कॉल रिकॉर्डिंग हमें शो करेगी गाइस। तो यहां पर गाइस मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को गाइस मैं आपके सामने यहां पर डिलीट करके बता देता हूं। तो यहां पर गाइस मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को यहां पर डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद जैसे कि मैंने इस कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इसे वापस लाना है। लाने के लिए फिर से इसे वापस लाने के लिए गाइस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आने के बाद ऊपर की साइड आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने पर गाइस आपको यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड आइटम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस हमारी सभी वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर शो करेंगी जिन्हें कि गाइस हमने रिसेंटली डिलीट किया है। तो ये सभी रिकॉर्डिंग जो है 30 डेज तक अवेलेबल रहती है। यदि गाइस 30 डेज के अंदर अंदर आप इन्हें रिस्टोर नहीं करते तो गाइस ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर हमें शो कर रही है। तो इन सभी रिकॉर्डिंग को गाइस हम यहाँ पर फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं, मीन्स गाइस वापस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइस आपको इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे गाइस मैं इन रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे से रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो फिर से वापस रिस्टोर हो जाएगी, मीन्स गाइस हमारे कॉल रिकॉर्डिंग मैच फिर से चली जाएगी। तो फिर से गाइस मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फिर से गाइस मैं यहाँ पर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं फिर से गाइस यहाँ पर रिकॉर्डेड कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस देखी गई जो भी हमने कॉल रिकॉर्डिंग हमने रिसेंटली डिलीट की थी वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर वापस से शो कर रही है, मीन्स गाइस जो हमारी जो कॉल डिलीट कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो हमने डिलीट कर दी वो फिर से यहाँ पर रिस्टोर हो गई है गाइस। तो इस तरह से गाइस आपने कॉल डिलीट हुई कॉल रिकॉर्डिंग को गाइस वापस ला सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।